बहनों और भाइयों, हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है। कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप मुझे बताइए, 100 पैसे भेजने पर अगर आप सिर्फ 15-16 पैसे का ही काम होगा तो यहां विकास हो पाएगा? यहां विकास हो पाएगा? 100 पैसे में से 85 पैसे कोई दलाल अपनी तिजोरी में भर लेगा तो क्या यहां सड़कें बन पाएगी, पुल बन पाएंगे, अस्पताल बन पाएंगे, स्कूल बन पाएंगे? आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मोदी की सरकार ने, आपके इस चौकीदार की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। 100 के 100 पैसे, भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में अगर आप इस चौकीदार के साथ खड़े ना होते तो ये संभव ही नहीं था। आपके इसी आशीर्वाद की वजह से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है, वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो जमीन से निकलने वाले खनिजों और कोयले तक में घोटाला कर जाती थी। गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी। जैसे ही पैसा आया ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे। क्या आपका ये चौकीदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या? मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा।